आज की वीडियो हम बिल्कुल डिफरेंट तरीके से स्टार्ट करेंगे। नो हेलो नो हाय, सीधा एक्शन। तो होपफुली आपको इंट्रो अच्छी लगी होगी, तो चलिए अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज की वीडियो में हम अनबॉक्सिंग करेंगे आईफोन 13 की, जो है 128 GB की। ये है पिंक कलर में, देख सकते हो कितनी खूबसूरत लग रही है ये। सबसे सेटिस्फेक्शन मिलता है आप इसके रैपर को हटाने में, ये बहुत ही सेटिस्फाइंग होता है। ये जो पिंक है बहुत ही प्यारी है, बिल्कुल लाइट पिंक है, दिन की रोशनी में वाइटिश लगती है, ऐसा पिंक नहीं कि आंखों में चुभेगी। और साथ में बॉक्स में एज यूजुअल आप जानते हो कि आईफोन के साथ में कोई ईयरपीस नहीं आता और ना ही कोई चार्जिंग अडैप्टर आता है, बस आपको लाइटनिंग टू सी पोर्ट वाली जो है आपको पोर्ट मिल जाती है। जैसे हम इसको ऑन करते हैं फर्स्ट बूट अप पे, ये सारे लैंग्वेज में आपको दिखाएगा, होला, नमस्ते, बॉन्जोर, जो देखने में बहुत ही बढ़िया लगता है। ये हो गई इसकी अनबॉक्सिंग की बात, अब धीरे धीरे इसके फीचर्स के बारे में बात करेंगे। बात करते हैं इसके स्पेसिफिकेशन और इसके डिटेल के बारे में, और इसको कंपेयर भी करेंगे हम आईफोन 12 से। चलिए, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे, स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। आपने अनबॉक्सिंग देख ली इस फोन की, अब हम आपको रियल फोन दिखाने वाले हैं। मैंने सोचा कि चलो भाई अपने व्यूअर्स के लिए फोन रिव्यू करते हैं। आईफोन 13 फोन खरीद लिया मैंने रिव्यू करने के लिए आपके लिए। देखो मजाक कर रहा हूँ, ये मेरे सिस्टर इन लॉ ने लिया है अपने यूज के लिए, तो मैंने सोचा कि जल्दी से उसको लेके मैं अपने चैनल के लिए थोड़ा रिव्यू कर लूँ और आपको दिखा दूँ। पिंक कलर है और ये पिंक बहुत ही लाइट है, वाइट पे थोड़ा थोड़ा सा इसका पिंकिश कलर है जो कि बहुत प्यारा लगता है। स्पेशली बॉयज़ को पिंक कलर पसंद नहीं आते हैं, पर मेरे को तो ये वाला कलर बिल्कुल लाइट पिंक है, मुझे बहुत सही लग रहा है। और साइज़ वगैरह सब जो है 12 के जैसा कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। जो फिजिकल डिफरेंस दिखता है वो ये आपको यहाँ दिखेगा, कैमरा डायगोनल है और थोड़ा सा मोटा है 12 से, मैं 12 से भी कंपेयर करके दिखाऊँगा। तो बेसिक अगर बात करें इस फ़ोन के डिफरेंस में, 12 से डिफरेंस में जो कि दिखता है वो है आपका जो सिनेमेटिक मोड है इसमें दिया गया है। सिनेमेटिक मोड जो मैं अभी रिकॉर्ड कर रहा हूँ, सिनेमेटिक मोड इसमें आपका बैकग्राउंड पूरा ब्लर हो जाता है और बहुत ही बढ़िया। देखो जैसे अब मैं इस पर स्विच कर रहा हूँ तो ये इसको जो रिंग लाइट इसको दे रहा है, और जैसे मैं अपनी तरफ कर रहा हूँ मेरी तरफ आ जा रहा है, फिर मैं रिंग लाइट पर फोकस कर रहा हूँ, थोड़ा फोकस है मतलब हो रहा है, जैसे कर सकते हो मैनुअल फोकस भी कर सकते हो, तो ऐसा बहुत बढ़िया बैकग्राउंड ब्लर हो रहा है पूरी तरह से। जो मेन डिफरेंस है वो बैटरी का है। एप्पल ये क्लेम करती है कि 2.5 घंटे ये 12 ज़्यादा चलती है, जो कि सही में चलती भी है, इसलिए थोड़ा सा मोटा है 12 से, ये मैं आपको दिखाऊंगा अभी थोड़ी देर में। ये मोटा मोटा जो डिफरेंस है ये आपको यही है, बैटरी और सिनेमेटिक मोड, बाकी छोटी छोटी चीज़ें काफ़ी है जिसके बारे में हम धीरे धीरे बात करेंगे। एक फिजिकल डिफरेंस और है इसकी नॉच, जो आपको दिखेगी, आप देख सकते हो इसकी नॉच काफ़ी कम हो गई है 12 से, जो कि आई थिंक 30% थोड़ा कम कर दिया गया ऊपर में, पर अभी भी जितने स्मार्टफोन आते हैं अभी उससे बड़ा ही है, सबसे बड़ा ऐसी में है। बट दैट्स ओके, एप्पल का अपना लेगेसी है, वो जो करते हैं वो करते हैं, उनको फ़र्क नहीं पड़ता मार्केट में क्या चल रहा है। स्पीकर में भी लाउडनेस काफ़ी ज़्यादा है, जो कि मैं आपको इसकी आवाज़ सुनाऊंगा। छोटी है, अच्छी है, यूज़ करने में सही होता है, ये साइज़ मेरे को सही लगता है। मेरे पास प्रो मैक्स है, वो मैं दिखाता हूँ आपको, 12 प्रो मैक्स है जिसका डिफरेंस देख सकते हो कितना साइज़ बड़ा है इसका, जो यूज़ करने में मेरे को बहुत बहुत दिक्कत होती है। कवर लगाने के बाद पे तो और भी ज़्यादा ये बड़ा सा हो जाता है साइज़ इसका। सो ये 12 प्रो मैक्स है और ये आप देख लो 13 है, डिफरेंस आपका वहाँ शायद नहीं दिख रहा होगा आपको स्क्रीन पर फिजिकली काफ़ी डिफरेंस है, बहुत मोटा सा और वेट है इसमें काफ़ी ज़्यादा। 13 जो है काफ़ी लाइट है, जो कि मेरे को सही लगता है। 12 में भी मुझे अच्छा लगता था, 12 का बेस वर्जन जो था वो काफ़ी सही लगता था, बट मेरे को वो सबसे एडवांस वर्जन चाहिए था ब्लॉगिंग वगैरह करने के लिए। तो हम कंपेयर कर लेते हैं इसका 12 से। सो मेरे पास 12 भी पड़ा हुआ है, 128 GB, ये भी 13 है जो कि 128 GB का है। इसमें अगर आप डिफरेंस देखो तो साइज़ में तो कोई डिफरेंस नहीं, बट थिकनेस में थोड़ी डिफरेंस है आपके, इन दोनों में देखो तो थोड़ा सा
जो 13 है स्लाइडली थोड़ा फोकस कर ले भाई, फोकस कर इसको। 13 जो है थोड़ा 12 से फिजिकली थोड़ा सा वो है, और वेट में भी थोड़ा डिफरेंस पता लगेगा। ना पता नहीं क्यों मुझे 12 में ज़्यादा वेट लग रहा है, बट 13 थोड़ा सा 10 ग्राम आई थिंक इससे ज़्यादा है वेट में। और फिजिकल डिफरेंस आप इसके नॉच में देख सकते हो, नॉच में तो डिफरेंस है, खुद पता चल रहा होगा यहाँ सामने से, नॉच इसका छोटा हो गया ऊपर में। तो इसका स्पीकर थोड़ा सा ऊपर शिफ्ट हो गया, और ये थोड़ा छोटा हुआ करता था इसका जो 12 का है। यू कैन चेक इसमें अब 60 fps का ऑप्शन आ चुका है 4K के साथ, जो कि 12 में 30 तक ही था। दूसरी बात है कि इसकी स्टेबलाइजेशन के लिए सेंसर शिफ्ट टेक्नोलॉजी यूज़ की गई है इस कैमरे में, जो कि जनरली जो प्रो वर्जन होते थे उसमें यूज होते थे, पर 13 में इन्होंने बेस वर्जन से डाल दिया। एक 12 जो था 64GB में आती थी, बट 13 में बेस वर्जन ही 128GB से स्टार्ट किया है आई थिंक, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ऐसा चल रहा है। तो ये सब चीज़ें हैं, फ़ोन काफ़ी बढ़िया है, किसको 13 लेना चाहिए किस 12 लेना चाहिए, प्राइस डिफरेंस 10,000 का है मोटा मोटी दोनों में। ये भी फ़ोन काफ़ी अच्छा है 12 इसमें, और इसमें आपने बता दिया बहुत ज़्यादा एक फिजिकल डिफरेंस कैमरे का, और थोड़ी छोटी छोटी चीज़ें दिख रही है डिफरेंस। बट आपको बजट का प्रॉब्लम है तो मैं बोलूँगा 12 में जाओ, बट अब बजट की दिक्कत नहीं है तो ऑब्वियसली अपग्रेडेड वर्जन 13 में आपको जाना चाहिए, जिसमें आपको सिनेमेटिक मोड मिल जाता है जो एडिट बेनिफिट है। उसके बाद आपको इसमें कैमरा थोड़ी रिफाइन है 12 से, और बाकी चीज़ें काफ़ी मोर एंड लेस सिमिलर चीज़ें हैं। और बैटरी बैकअप जो प्लस पॉइंट है इसमें 2.5 घंटे का, इससे आपको एक्स्ट्रा मिल रहा है। बाकी 12 भी बढ़िया है, 12 काफ़ी अच्छी सेलिंग फ़ोन रही है अपने टाइम की। डिफरेंस है थोड़ी सी, ये थोड़ी छोटी है और ये थोड़े साइज़ में कैमरे की बड़ी है। तो बड़े साइज़ कैमरा मतलब कि लो लाइट में अच्छा परफॉर्मेंस, और बेस्ट पार्ट मुझे ये लगी सिनेमेटिक मोड में कि आप सिनेमेटिक मोड में एपर्चर भी कंट्रोल कर सकते हो, यानी कितना आपको ब्लर रखना है ये आप डिसाइड कर सकते हो अपने एंड से। जो ऐप सबसे लोएस्ट है F2.0 की, जो कि लो लाइट के लिए काफ़ी अच्छी होती है वो है, और मैक्स आप जा सकते हो 16 पे। तो बाय बाय, होपफुली आपको ये वीडियो अच्छी लगी। अच्छी लगी तो बस क्या करना है, बोलने की ज़रूरत नहीं है, जो नीचे रेड बटन दिख रही है उसको ग्रे कर दो प्रेस करके, और लाइक करके जाओ, कमेंट करके जाओ आपको ये वीडियो कैसी लगी। फिलहाल मैं आप और किसी इंटरेस्टिंग टेक वीडियो के साथ मिलता हूँ, तब तक के लिए बाय बाय। जल्दी जल्दी और देख लो कितना प्यारा लग रहा है यार, इसकी कलर देख रहा हूँ।